हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट कुल्स और अपने चैनल रंगरेज कुल्स में मैं डालता हूं आर्ट से रिलेटेड वीडियो। ये पेंटिंग का फाइनल पार्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया आपको दिखाने के लिए। आपको आइडिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। आज हम इस रेफरेंस पिक से एक वाटर कलर पेंटिंग क्रिएट करेंगे। ये फोटो निशिकांत सर द्वारा क्लिक की गई है। आपको बता दूं, ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी जानकारी वाटर कलर पेंटिंग के रिगार्डिंग देने वाला हूं। तो अगर आप सच में वाटर कलर पेंटिंग सीखने के इच्छुक हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा। और वाटर कलर पेंटिंग के लिए मैं क्या मटेरियल यूज करता हूँ या आपको क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मैंने एक वीडियो ऐड कर दिया है, आप इसे जरूर देखिएगा। आपको वाटर कलर पेंटिंग मटेरियल के रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट ये वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आइए चलते हैं डेमो की तरफ। ये रेफरेंस पिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है। स्केचिंग मैं पहले से कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं स्केचिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। और अब बात आती है मटेरियल की। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कौन से पेपर यूज़ किए हैं, कौन सा पैलेट यूज़ किया है मिक्सिंग करने के लिए कलर, कौन सा ये पेपर है, किसके ऊपर मैंने माउंट किया है, तो उसके लिए मैंने आई बटन में ऊपर एक वीडियो डाल दी है। आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आई बटन दिखेगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मटेरियल की पूरी नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं डेमो की तरफ। आपको ब्रश बता देता हूँ, ये चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश है, ये गोट हेयर से बना हुआ है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये भी आपको ऊपर आई बटन में जो मटेरियल की नॉलेज के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया था उसमें आपको इन ब्रशेस के बारे में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे बाय भी कर सकते हो, इनके बारे में जान भी सकते हो कि ये कौन से ब्रशेस हैं। चलिए चलते हैं डेमो की तरफ। पहले तो मैं पेपर को वेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा बीच में, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है उसको प्रोसेस को देखना और आपका टाइम भी बचता रहे। तो मैं वाटर अप्लाई कर रहा हूँ। वाटर अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि एक बार जब वेट हो जाएगा, हमें बड़ा एरिया कवर करना है, हम नहीं चाहते हैं कि बीच में हार्ड एजेस बने, तो इसलिए हम उसे पेपर को पूरा वेट कर लेते हैं। आप उसके लिए बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ये एक फ्लैट ब्रश है 2 इंच का, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा एरिया जल्दी कवर हो जाए। सबसे पहले हम बेस लेयर तैयार करेंगे और वो हम वेट ऑन वेट टेक्निक के साथ करेंगे। अगर आप वाटर कलर की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक वीडियो में उसके लिए भी बनाऊंगा। पूरा पेपर अभी वेट हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर जो कलर अप्लाई करूँगा वो देखना आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि पेपर वेट है तो कोई भी बीच में एजेस नहीं बनेंगे। बीच में मैं थोड़ा स्लो मोशन भी कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि मैं ब्रश कैसे मूव कर रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में पता नहीं लगता है कि एग्जैक्ट हम ब्रश कैसे मूव कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो का यही है कि आप सीख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर टेक्निक्स के बारे में। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कैसी पेंटिंग करता हूँ, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप कैसे पेंटिंग कर सकते हो वाटर कलर पेंटिंग। तो अभी पेपर वेट ही है और इसके ऊपर मैं कलर जो अप्लाई करूँगा, देखो आपस में मिक्स होता रहेगा और बीच में बिल्कुल भी हार्ड एजेस वगैरह नहीं बनेंगे। अगर आप वाटर कलर्स के रिगार्डिंग या पेंटिंग के रिगार्डिंग जो जो टर्म यूज़ होती हैं उसके ऊपर भी चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो जो मेंशन करते रहेंगे, सजेस्ट करते रहेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी मैं रेफरेंस पिक में यही देख रहा हूँ, आप भी रेफरेंस पिक में देख पा रहे होंगे ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर साथ में इसको रख भी सकते हो, इसके ऊपर आप पेंटिंग भी कर सकते हो इसी रेफरेंस पिक को लेकर। और मैं इंस्टाग्राम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ अपना, अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाओगे इसे देखकर तो आप मुझे मेंशन कर देना स्टोरी में। देखिए मैं वाटर जो है उस हल्का हल्का स्प्लैश कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा इसके ऊपर एक टेक्सचर बन जाएगा, इसे मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँगा। तो इसके ऊपर ना एक टेक्सचर बनेगा जिससे कि हमें ओल्ड
जो वॉल होती है उसका एक लुक मिलेगा। इसे बोलते हैं स्प्लैशिंग टेक्निक। तो अभी जो ये एरिया बचा है यहाँ पर थोड़ा ईंटों का मुझे वो देना है, फील देना है। तो अभी इसके लिए मैं बेस लेयर ही बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले रहा हूँ और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। और एक और मेरा जो मकसद था कि आपको मेरा कलर मिक्सिंग पैलेट भी दिखता रहे, ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे कलर, दो या तीन कलर पहले से अगर हमें मिक्स करने हैं पैलेट में ही, तो कैसे मिक्स करने हैं, कैसे ब्रशेस के साथ उन्हें लेना है, कैसे वाटर लेना है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हो, सीखने के इच्छुक हैं, क्योंकि आगे आगे चलकर मैं बहुत सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा और पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा पेंटिंग का, तो जिससे कि आप अगली बार बिना देखे खुद से पेंटिंग कर पाएंगे। यह नीचे की तरफ जो वॉल है वो ग्रीनिश हो गई है, जैसे बारिश का पानी लगने से वॉल गंदी हो जाती है। तो वेट ऑन वेट में मैं वो अभी काम कर रहा हूँ। अब ये देखिए स्प्रे बॉटल है, इससे मैं जो नीचे की तरफ मैंने पेंट किया है उसको मैं स्प्रे करके उसका फ्लो बना रहा हूँ। तो मेरा जो मैंने पेपर रखा है वो भी थोड़ा टिल्टेड है, तो पानी नीचे की तरफ आएगा और ये अच्छा वाटर कलर इफ़ेक्ट देता है। तो ये भी आपको, जब आप मटेरियल नॉलेज के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखेंगे तो आपको सारा लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। मैं दोबारा से स्प्लैश कर रहा हूँ ताकि इसमें और अच्छा इफ़ेक्ट आ सके। ये इफ़ेक्ट आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि स्प्लैश करने से कैसा इफ़ेक्ट आता है पेंटिंग के ऊपर। जब हम पुरानी जो वॉल का कुछ टेक्सचर देते हैं तो उसमें ये काम आता है, या फिर ग्राउंड का टेक्सचर देना हो तब भी काम आता है। अभी जो ये एरिया बचा था यहाँ पर मैं येलो ओकर कलर यूज़ कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि वाटर कलर पेंटिंग करते हुए हमेशा, खासकर जब आप बेस लेयर करें, तो पानी बहुत ज़्यादा लेना है। अक्सर क्या करते हैं, पोस्टर कलर को वाटर कलर में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और पोस्टर कलर हमारी यूज़ करने की आदत होती है तो हम वाटर कलर भी वैसे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कलर लेकर। लेकिन आपको पानी ज़्यादा लेना होता है, खासकर बेस लेयर में। जब हम डिटेलिंग करेंगे तो थोड़ा सा पिगमेंट हम ज़्यादा लेंगे, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा बैम्बू ब्रश है, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप ऊपर आई बटन में वो वीडियो देखोगे। अब मैं गीला करके इसके थोड़े से और एजिस जो है सॉफ्ट कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी हार्ड लाइन ना बने। ये बहुत लाइट कलर है, जब आप आगे चलकर देखोगे तो आपको समझ आएगा इसके ऊपर मैं जब डार्क कलर करूँगा तो कैसा फील आता है। और एक और बात बता दूँ आपको, वाटर कलर की हमेशा टेंडेंसी होती है कि ड्राई होने के बाद थोड़ा लाइट भी होता है, थोड़ा डल भी होता है। तो हमें ये चीज़ पहले से ध्यान में रखनी होती है पेंटिंग करते हुए कि हमारा कलर थोड़ा लाइट होने ही वाला है, तो उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यू करेंगे। देखिए दूर की तरफ थोड़ा लाइट होता है, और जैसे जो नज़दीक की हमारा एरिया होता है वो हमेशा डार्क होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं दूर की तरफ जो एरिया है उसको लाइट कर रहा हूँ। ये फ्लोर है, आपको पता लग जाएगा, ऊपर आप रेफरेंस पिक में भी देख पाएंगे। और जो नज़दीक का फ्लोर है, ग्राउंड है, फोरग्राउंड है, वो हम डार्क करेंगे, तो उससे अच्छा 3D लुक आता है। पर्सपेक्टिव जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर आप चाहते हो मैं पर्सपेक्टिव के ऊपर भी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए ऐसा एक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जो जो करते रहेंगे मैं उसके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। और जब आपको छोटे एरिया कवर करने हैं तो आपको छोटा ब्रश लेना है, बड़ा एरिया कवर करना है तो बड़ा ब्रश लेना है बड़ा एरिया कवर करने के लिए। अब नीचे की तरफ मैं फिर से यहाँ पर स्प्लैश कर रहा हूँ वाटर को, ताकि वो दाग धब्बे वाला जो इफ़ेक्ट है वो आ जाए। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऐसा इफ़ेक्ट इससे आ गया है। अभी देखिए नीचे का कलर वेट ही है, तो मैं इसके ऊपर और दूसरा कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो मिक्स हो रहा है आपस में। अभी बेस जब हम करते हैं तो उसमें ऐसा ही होना चाहिए। और अलग अलग पेंटिंग का अलग अलग टेक्निक भी रहेगी, अलग अलग तरीका भी रहेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ओल्ड वॉल जैसा कोई पेंटिंग करना है तो वो कैसे करेंगे, ये टेक्निक उसके लिए है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा पिगमेंट ज़्यादा ले रहा हूँ, मतलब कलर ज़्यादा ले रहा हूँ,
पानी थोड़ा मैं कम ले रहा हूँ, तो वहाँ वहाँ पर थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा। और अभी यहाँ तक आप देख सकते हो कि कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा है, जस्ट एक बेस में कलर मिला है, मतलब मैंने पूरा एरिया कवर कर लिया है एक बार कलर से। अब मैं इसके ऊपर डिटेलिंग करूँगा और अब इसमें 3D का लुक आना शुरू होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने डार्क कलर कर दिया है। ये कमरे के अंदर का व्यू है जहाँ पर रोशनी ऊपर नहीं पहुँच रही है। उसके बाद जहाँ रोशनी पहुँच रही है वहाँ पर मैंने पेपर वाइट ही छोड़ा है। आपको हमेशा याद रखना है कि वाटर कलर में हम वाइट यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा पेपर का वाइट छोड़ते हैं जहाँ जहाँ पर हमें वाइट चाहिए होता है पेंटिंग में। उसका रीज़न ये होता है कि जो वाटर कलर है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और जब हम डार्क कलर के ऊपर वाइट अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपेरेंट जैसा रहेगा और पेंटिंग काफ़ी डल होगी, वाइट अपना पूरा इफेक्ट भी नहीं दे पाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंट ले रहा हूँ, बिल्कुल थिक नहीं ले रहा हूँ लेकिन पहले से ज़्यादा पिगमेंट लिया है और वाटर उतना लिया है कि मेरा ब्रश मूव कर सके। आपको बिल्कुल ट्यूब से निकाल कर पिगमेंट ऐसे यूज़ नहीं करना है, तो वो ड्राई ब्रशिंग में काम आता है, वो टेक्निक अलग होती है, वो भी हम आगे चलकर जो वाटर कलर सीरीज़ के ऊपर वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें सीखने को मिलेगा आपको। तो अब देखिए, जो बेस लेयर थी उसके ऊपर अब सेकंड लेयर हो रही है। अब सेकंड लेयर में जो वर्क हो रहा है उसमें जो है सारी डिटेलिंग्स ऐड होंगी, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसमें दूसरी लेयर में भी पूरी डिटेल ऐड ना करके फिर तीसरी लेयर में फिर चौथी लेयर में डिटेल ऐड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब जहाँ पर बीच में रेड आपको दिख रहा है वहाँ पर ईंटें दिख रही हैं, ऊपर से जो उसका सीमेंट था वो निकल चुका है, तो वैसा अभी लुक इसमें मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, कुछ जो वॉल पर ग्रीनिश हो गई है बारिश की वजह से, तो उसके लिए मैंने थोड़ा और डार्क वहाँ पर कर दिया, स्प्लैश कर रहा हूँ। और अब थोड़ा सा मैं स्प्रे बोतल लेकर इसके ऊपर स्प्रे भी कर दूँगा ताकि इसके हार्ड एज ना बने। देखिए, अगर हार्ड एज बनते हैं तो हम उसको ब्रश से भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते नीचे वाली लेयर सूखी होनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। और अब मैं इसमें और डिटेल ऐड करूँगा। अगर आप वाटर कलर के रिगार्डिंग और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में उससे भी ऐड कर दिया है, आप वाटर कलर से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हो। हमेशा हमें दो बाउल रखने होते हैं वाटर के, ताकि एक पानी जो गंदा भी हो जाए एक बाउल में तो हम दूसरा क्लीन वाटर फ्रेश कलर मिक्स करने के लिए रख सकें। अभी मैं जो ये सेंटर में एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, शेडो पड़ रही है, तो अभी मैंने क्या किया था, सबसे पहले लाइट एरिया कवर कर दिया था। अब उसमें से जहाँ जहाँ शेडो पड़ रही है वहाँ पर मैं डार्क कर दूँगा, बाकी का मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगा, तो वो जो लाइट रह जाएगा वो उभरा हुआ दिखेगा। एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग में हम ऊपर से भी लाइट कलर कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में हम पहले लाइट कलर ही करते हैं, उसके बाद हम लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। तो पहले ही हम डार्क कर देंगे तो उसके ऊपर लाइट नहीं कर पाएंगे या वो काफ़ी ब्राइट नहीं दिखेगा, इसलिए हमें लाइट कलर जो है वो छोड़ना होता है और जहाँ पर हमें लाइट इफेक्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मुझे इसके रूट्स जो है डोर के ऊपर जो ये ग्लास लगा हुआ है इसमें रोड भी लगे हुए हैं, तो जो कि जिनके ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो वो लाइट कलर के दिखेंगे, तो मैं उनको छोड़कर बाकी एरिया को कवर कर रहा हूँ डार्क कलर से। तो जब ये पूरा हो जाएगा आप देखोगे कि ये जो सरिये होते हैं उनका पूरा इफ़ेक्ट देगा ये। ये देखिए, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पूरे को डार्क कर दिया और उसके ऊपर फिर लाइट कलर से ऊपर हमने रोड्स बना दी, क्योंकि वाटर कलर में ऐसा करने से ज़्यादा ब्राइट नहीं आएगा, एक तो वो कलर ज़्यादा उठेगा नहीं, लाइट कलर डार्क के ऊपर एक्रेलिक या ऑयल कलर में हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले पूरे को डार्क कर लिया उसके ऊपर हम लाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है।
ये देखिए, अब पहले मैंने बेस लेयर की थी, जो उसने क्या किया काम, जो अभी पीछे लाइट कलर का दिख रहा है हमें, बाकी मैंने डार्क कर दिया है। और उसमें भी जहाँ जहाँ ज़्यादा शेडो होनी चाहिए मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ। देखिए ऊपर अब 3D का इफेक्ट आना शुरू हो गया। ऐसे ही हम पूरी पेंटिंग में समझेंगे कि कैसे एक वाटर कलर पेंटिंग को हम प्रोसीड करते हैं। अब मैंने छोटा ब्रश लिया है और यहाँ पर मैं जो ईंटें हैं जहाँ से सीमेंट निकल चुका है वो मैं छोटे लाइनर ब्रश से बना रहा हूँ। देखो बेस लेयर मैंने पहले कर ली थी, अब मैं उसके ऊपर डिटेलिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी किसी भी वाटर कलर पेंटिंग को प्रोसीड करना है। इधर की साइड भी कुछ ईंटें दिख रही हैं, उसके बाद और भी बताऊंगा मैं आपको और डिटेलिंग कैसे करनी है। इससे कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद और भी होगा और डिटेलिंग भी होगी, वो भी आप आगे चलकर धीरे धीरे देखोगे। वैसे तो मैं म्यूज़िक लगाकर भी बैकग्राउंड में ये वीडियो ऐसे छोड़ सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे टेक्निक क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझे टेक्सचर देना था लाइट और डार्क का, जो ईंटें हैं कहीं से डार्क दिख रही हैं कहीं से लाइट, और मैं हार्ड एजेस भी नहीं चाहता हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा पानी लगा के सॉफ्ट एज कर रहा हूँ। अब वो अलग से दिखेगा कि यहाँ से सीमेंट निकल चुका है और नीचे जो ईंटें हैं वो दिख रही हैं, वो बाद में उसके ऊपर ईंटें भी बनाएंगे। अब देखिए जो ये पिलर है इसके ऊपर भी मैंने जो एक साइड डार्क कलर कर दिया है डार्क ऑरेंज, तो ये भी अब 3D इफेक्ट देगा, डेप्थ देगा, कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है। तो जो गोल ये पिलर है गोलाई का, ऐसे ये लुक देगा। साइड में भी कुछ ईंटें दिख रही हैं, वहाँ पर भी मैं थोड़ा रेड कर रहा हूँ। और जो बचा हुआ एरिया है वो अब नीचे लाइट दिख रहा है, तो इसलिए हमेशा लाइट से डार्क की तरफ आते हैं। अभी यहाँ साइड में भी मैं जो सीमेंट निकला हुआ है वही इफेक्ट देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अपने काम का लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में बह जाओगे, नेक्स्ट वीडियो पर चले जाओगे। और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये आपके मतलब का चैनल है, आपको आगे भी इसमें सीखने को कुछ मिल सकता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग टेक्निक्स को लेकर कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको पता लग जाए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं पहले दूसरी लेयर में डार्क कर चुका था, अब ये तीसरी लेयर है, मुझे थोड़ी और डार्कनेस चाहिए थी, तो जैसे ही वो दूसरी लेयर भी ड्राई हुई मैंने उसके ऊपर एक और लेयर अप्लाई कर दी। हम थिक कलर अप्लाई नहीं करते हैं वाटर कलर में ज़्यादातर, बस ड्राई ब्रश टेक्निक में यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। इस वीडियो में आएगा तो इस वीडियो में, नहीं तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वाटर कलर टेक्निक्स के बारे में, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में एक ही वीडियो में आपको बताऊँ, वाटर कलर की अलग अलग टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर काम आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके ऊपर एक अच्छा सा इजी लैंग्वेज में समझने वाला वीडियो मैं बनाकर यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। देखिए दूर की तरफ हमेशा लाइट होना चाहिए और नज़दीक की तरफ डार्क, तभी वो हमें 3D का लुक देगा, जिसे कि हम जब प्रोस्पेक्टिव के ऊपर स्टडी करते हैं तब हम डिटेल में उसे समझते हैं। अब जो सामने दीवार है इस पे भी जो जहाँ पर शेडो पड़ रही है वहाँ पर डार्कनेस करेंगे, जहाँ पर डार्क लाइट पड़ रही है वहाँ थोड़ा लाइट रहेगा, तो 3D लुक आएगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस है वो स्टेप में ही होता है। अभी मैं जहाँ जहाँ ग्रास है वहाँ पर थोड़ा कलर दे रहा हूँ, येलो ग्रीन, और उसके बाद मैं डार्क कलर दूंगा तो उससे थोड़ा वो ग्रास का लुक देगा। जो मैंने यहाँ ईंटों वाला कलर किया था उसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा स्प्लैशिंग कर रहा हूँ ताकि वो प्लेन ना रहे, थोड़ा उसमें टेक्सचर आ जाए।
और सामने वाली वॉल पर मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा येलोइश कलर थोड़ा सा मैंने दिया है ताकि वॉल का वो लुक दे। अभी देखिए अंदर आपको डेप्थ दिख रही होगी, अब फील हो रहा है कि ये दरवाजे के अंदर दूर सामने दीवार है और नीचे जो है फ्लोर है, इसी को बोलते हैं डेप्थ और 3D लुक देना, जिससे कि एक किसी भी 2D सरफेस के ऊपर हम 3D का जो फील देते हैं वही हम पर्सपेक्टिव में समझते हैं, उसी को डेप्थ कहते हैं। पेंटिंग में जब गहराई जाती है तभी वो 3D का फील देता है। अब देखिए मैंने बारीक ब्रश लिया है और कम वाटर ले रहा हूँ, ज़्यादा पिगमेंट ले रहा हूँ, और जो ये एंट्रेंस के ऊपर आर्किटेक्चरल वर्क हुआ है इसकी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, आप वो रेफरेंस पिक में भी देख सकते हैं। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं होता कि हम रेफरेंस पिक से एग्जैक्ट सेम टू सेम पेंटिंग हमें बनानी है, हम उसमें देखते हैं कि हमारे फोकस एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको हम नहीं भी बनाएंगे तो हमारी पेंटिंग जो है अफेक्ट नहीं होगी। तो उस हिसाब से हमें सिंप्लीफाई करना होता है रेफरेंस पिक को, थोड़ा अपना उसमें फील देना होता है। अक्सर हम स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं कि एग्जैक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं और बहुत अननेसेसरी वर्क उसमें कर देते हैं जो कि हमारी पेंटिंग को ख़राब करता है। ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे आप ज़्यादा वर्क करते रहोगे आपको समझ आता रहेगा। जब आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर दोगे रेफरेंस पिक को, जब आप दिमाग में रखोगे कि मुझे रेफरेंस पिक को सिंप्लीफाई करना है, तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से आपका फोकल पॉइंट है पेंटिंग में, किसको आपको हाईलाइट करना है, कौन सा जो पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है उसको आपको एलिमिनेट करना है, वो आप समझ पाओगे। अभी जहाँ पर शेडो पड़ रही है वहाँ पर मैं डार्क कलर कर रहा हूँ, देखो नीचे वाली लेयर सूख चुकी है, अब मैं इसके ऊपर डार्क कर रहा हूँ जिससे कि और ज़्यादा डेप्थ आएगी, 3D का लुक आएगा। जहाँ जहाँ शेडो पड़ रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा और डार्क किया तो और 3D का इसमें लुक आ गया। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अब जैसे जैसे इसका कंप्लीशन होता रहेगा, पेंटिंग कंप्लीट होने की तरफ जाती रहेगी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जो हम इग्नोर कर देते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी फील आनी शुरू होती है, हम सोचते हैं कि पेंटिंग बन गई, थोड़ा हम डरते भी हैं ताकि हमारा कोई काम ख़राब ना हो जाए ज़्यादा वर्क करने से, लेकिन उसी चीज़ को हमें देखना है कि हमें कितना वर्क करना है, कितना वर्क करना ज़रूरी है। अब देखिए जब मैंने साइड में डार्क कलर अप्लाई किए जहाँ पर शेडो पड़ रही थी, तो अब ये और ज़्यादा उठकर आ रही है, 3D लुक और ज़्यादा दे रहा है। और जैसे जैसे और मैं जहाँ जहाँ डार्कर एरिया है वो करता रहूँगा, क्योंकि अभी तो लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं हम, तो हमेशा हम अब डार्क पहले से डार्क ही करेंगे। तो जैसे जैसे मैं वो करता रहूँगा आपको फील आता रहेगा। अब मैं ईंटें बना रहा हूँ, बारीक ब्रश ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो थोड़ा गुलाई में है इसलिए थोड़ा सा उसमें कर्व दे रहा हूँ, और कर्व भी हमारा जो आई लेवल है वहाँ तक ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ को कर्व आएगा। ये भी आप पर्सपेक्टिव जब पढ़ोगे तो उसी में ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। आप चाहते हो तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईंटें बना रहा हूँ, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन बना दी मैंने बीच में तो ईंटों का इफ़ेक्ट आ गया। उसके बाद आगे आप चलकर देखोगे कि मैं थोड़ा सा कहीं हाईलाइट दूंगा, कहीं पर शेडो दूंगा, कहीं पर थोड़ा सा वाइट का टच दूंगा, तो प्रॉपर फिर ईंट का इफ़ेक्ट आएगा। देखिए साइड में जैसे ही मैंने डार्क किया तो जो पिलर था वो अब 3D लुक देने लग गया है। पहले बिल्कुल 2D लग रहा था, प्लेन लग रहा था, अब 3D का इसमें इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। यही हम गलती कर देते हैं, हमें थोड़ा सा फील आता है हम वहाँ पर पेंटिंग रोक देते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि हमें कितना वर्क करना है, कितना वर्क करना ज़रूरी है।
ताकि पेंटिंग में जो है डेप्थ आ सके। और डरना नहीं है, हमेशा एक स्टेप आगे लेकर देखना है, तब हमें पता लगेगा कि हमें अगली बार वो स्टेप लेना है या नहीं। जब तक हम गलती नहीं करेंगे, डरते रहेंगे बिना करे ही, तब तक हम अपना वर्क इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। किनारे पर खड़े रहकर डरते रहेंगे डूबने के डर से, तो तैरना नहीं आएगा। अभी मैं ब्रिक्स बना रहा हूँ, लेकिन इसमें फिर थोड़ा टेक्सचर देना पड़ेगा, कहीं लाइट कहीं शेडो, तब प्रॉपर इसका ईंट का फील आएगा। जब मैंने शुरुआत की थी, अक्सर इतनी पेंटिंग बन जाने के बाद जब इतना लुक आ जाता था, तो मैं पेंटिंग स्टॉप कर देता था ताकि पेंटिंग मेरी ख़राब ना हो जाए। लेकिन अभी आप देखोगे कि इस पेंटिंग का असली फील जो है, इसके बाद जो मैं काम करूँगा उससे आएगा। जबकि जब मैं शुरुआत में पेंटिंग करता था, तो इतना फील आने के बाद मैं खुश हो जाता था, और मैं ये डरता था कि कुछ और करूँगा तो पेंटिंग ख़राब ना हो जाए, तो मैं उसके आगे वर्क ही नहीं करता था। लेकिन असली जो फील है इसका, पेंटिंग का असली मज़ा, अब जो मैं वर्क करूँगा उससे आएगा। अब जो मैं फाइनल डिटेलिंग करूँगा, जो फाइनल टचअप दूंगा मैं, उससे आएगा, तो आप वो देख पाएंगे। अब देखिए, मैंने ग्रास में जो बेस था उसमें अब डार्क कलर किया है, ताकि अभी जो प्लेन लग रहा था ग्रास, वो अब प्रॉपर 3D लुक दे। ग्रास के मैं स्टैंड्स बना रहा हूँ, थोड़ा डार्क कलर लिया है, वाटर थोड़ा कम लिया है, तो फाइनल जैसे जैसे हम डिटेलिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम वाटर की क्वांटिटी कम करते रहेंगे। ये देखिए, ये लाइनर ब्रश है बिल्कुल पतला, इससे मैं अब वायर बनाऊंगा। जो इसके ऊपर वायर है वॉल के ऊपर लगी हुई, तो वो बनाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा पानी लेना है और इतना पिगमेंट लेना है कि वो पिगमेंट भी दिखे और हमारा ब्रश भी मूव करे, क्योंकि हमें सिंगल स्ट्रोक में वायर बनानी होगी। अगर हम उसको ज़्यादा प्रेस करके या बार बार स्ट्रोक में बनाएंगे, तो एक तो थोड़ी मोटी बन जाएगी वायर, तो वायर का लुक ही नहीं देगी। दूसरा क्या है, हम दो तीन स्ट्रोक में बनाएंगे तो वो एक लाइन में नहीं जाएगी, तो हमें उतना ही वाटर रखना है कि हमारा सिंगल टाइम में पूरा स्ट्रोक कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है, बीच में रुके भी ना, और डार्कनेस भी उसकी इतनी हो, इंटेंसिटी इतनी हो कलर की कि वो अपना फील दे। तो इसके लिए आप लाइनर ब्रश, जिसके लंबे ब्रिसल होते हैं वैसा और बिल्कुल पतला, वो ब्रश लोगे तो आपका प्रॉपर इफ़ेक्ट आएगा वायर का। इसके लिए आप कुछ दूसरी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, मैं आगे चलकर आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, जिससे कि बिल्कुल पतली वायर बनेगी और सीधी बनेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये गौश कलर का वाइट ले रहा हूँ। पहले मैंने कहा था कि हम वाइट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं टचअप करने हैं हमें, उसके लिए हम वाइट ले सकते हैं। तो हमने पहले से नीचे वाइट छोड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत कलर इधर उधर अगर अंदर आ गया है उस एरिया में जहाँ हमें वाइट करना था, तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो वो चल जाएगा। अभी देखिए, ईंटों के ऊपर जहाँ जहाँ हाईलाइट थी, वहाँ पर मैं बिल्कुल हल्के हल्के टचेस दे रहा हूँ, जिसकी वजह से अब प्रॉपर फील देंगे ये जो ईंटों का। अब मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो मैं टचेस दे रहा हूँ उनका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। कहीं कहीं मैं वाइट के टचेस ऐसे ही दूंगा जिससे थोड़ी नॉइस क्रिएट हो जाए पेंटिंग में, क्योंकि ज़्यादा ही स्मूथनेस हमारी पेंटिंग में होगी तो वो नकली लगेगा। तो जहाँ जहाँ हल्के फुल्के वाइट के टचेस हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फेस होता है पेंटिंग जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, लास्ट में जो वाइट का टच है। अगर हम वाटर कलर वाले वाइट यूज़ करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखेगा ही नहीं आपका। तो इसलिए आप या तो पोस्टर कलर का वाइट यूज़ करें, या फिर आप गोश कलर का वाइट यूज़ करें, या आप वाइट जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन, कहीं कहीं टचेस देने के लिए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो हाईलाइट दे रहा हूँ, जो वायर्स हैं उनके ऊपर,
अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा आपको बताया था मैंने पर्सपेक्टिव में ध्यान रखना होता है कि जो दूर की चीज़ होती है वो लाइट होती है, नज़दीक की जो एरिया होता है वो या चीज़ें होती हैं वो डार्क दिखती हैं, कलरफुल दिखती हैं, दूर की चीज़ें डल और लाइट दिखती हैं। तो अभी देखिए मैंने नज़दीक की तरफ डार्क एरिया डार्क कलर किया, तो अभी ये प्रॉपर फील दे रहा है 3D कि ये एरिया हमारे नज़दीक है, और जहाँ दूर अंदर लाइट पड़ रही है देखो वो दूर का फील अपने आप दे रहा है। डार्क कलर से मैं स्पॉट लगा रहा हूँ ताकि वो वॉल जो है नेचुरल लुक अपना दे। और अक्सर मैं पेंटिंग में अपना कहीं ना कहीं कुल्स कैनवास लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पर एक बोर्ड था वहाँ पर मैंने कुल्स कैनवास लिख दिया है। नीचे मैं थोड़ी शेडो दे रहा हूँ ताकि ये भी 3D लुक दे, कोई ऐसा लगे बोर्ड है वहाँ पर, ऐसा ना लगे कुछ पोस्टर चिपका हुआ है, तो उसके लिए हमें शेडो देनी पड़ेगी। तो वही हम जितना लाइट और डार्कनेस के साथ खेलेंगे उतना हमारा पेंटिंग अच्छा लुक देगी, 3D लुक देगी। अभी मैं यहाँ पर अपने सिग्नेचर करूँगा और आपको डिटेल दिखाऊँगा मैं आगे कि ये पेंटिंग एक्चुअल में कैसा फील दे रही है, कैसा टेक्सचर दे रही है। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर आपको अपने लिए यूज़फुल लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इतना करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है मुझे। अभी मैं आपको लाइट थोड़ी कम करके दिखाऊंगा, अभी लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो लाइट लग रही है पेंटिंग, लेकिन मैं डिम करता हूँ लाइट को तो उससे इसका प्रॉपर पता लग जाएगा। पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। वाटर कलर से रिलेटेड और भी पेंटिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। ऑयल पेंटिंग के रिगार्डिंग भी मटेरियल नॉलेज आप जानना चाहते हो, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई। पेंटिंग करते रहिए, धन्यवाद।